के साथ आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज से 3 दिन यानी कि दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे उनका दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद 23 अक्टूबर को सीएम बघेल मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। सिंधिया के गढ़, दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भूपेश बघेल का इसके बाद बिहार रवाना होने का कार्यक्रम है, जहां उनकी 3 चुनावी सभाएं होंगी। सीएम शनिवार सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर से नालंदा जाएंगे। वहीं 11:30 बजे उनकी पहली चुनावी सभा होगी, दूसरी सभा खगड़िया जिले के बेलदौर और आखिरी सभा भागलपुर के कहलगांव में होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उमेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसी खबर पर? आज जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो आज 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो इन 3 दिवस में पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश और फिर बाद में बिहार के दौरे पर रहेंगे। और आज वो 1 बजे यहाँ से सबसे पहले दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर अपने जो पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 23 अक्टूबर को वो फिर सीएम जो भूपेश बघेल है वो सिंधिया के गढ़, दतिया, भंडारे और ग्वालियर में चुनावी सभा संबोधित करेंगे भूपेश बघेल का। इसके बाद बिहार रवाना होंगे और जहां उनकी 3 चुनावी सभा होगी। सीएम शनिवार सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे हेलीकॉप्टर से नालंदा जाएंगे। 11:30 बजे उनकी पहली चुनावी सभा जो होगी वो गढ़िया जिले के बेलदार और आखिरी जो सभा होगी भागलपुर के कहलगांव में होगी। जो चुनावी अभी जो मुद्दा जो बिहार और एमपी में जो चुनाव होने वाले हैं, इस पूरी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, वहां पर प्रचार करने के लिए और सभाएं लेने के लिए वो वहां पर मौजूद होंगे। तो आज वो दोपहर 1 बजे यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद जो लगातार उनकी 3 दिवसीय कार्यक्रम है, पहले दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद एमपी और एमपी के बाद बिहार, एमपी और बिहार में जो चुनावी सभा होने वाली है उन पर वो सभाएं लेंगे और जो वहां के लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ के जो विकास हुए हैं उनको लेकर बात करेंगे, वहां की विकास को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश और एमपी में होने वाले चुनाव है उन सभाओं को संबोधित करेंगे। जी प्रज्ञा जी, उमेश धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। तो आप सभी को बता दें, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ पहले तो चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद एमपी और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। उपचुनाव का दौर है और ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।